अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलशियर मॉडल हाई स्कूल। जो आज हमारा मैथ्स का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारे कुछ मैट्रिसेस दिए होंगे जिनका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्वेश्चन रिपीट कर लेना है। देन आपने टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, जब मैट्रिक्स ए का हमने नेगेटिव लेना है तो ए के साथ हमने माइनस का साइन डाल देना है, और जब इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास जो प्लस में साइन होंगे उनको माइनस में, और जो माइनस में होंगे उनको प्लस में। अब यहाँ वन प्लस में था, इसको हमने माइनस वन कर देना है। ज़ीरो के साथ हम ना प्लस डालते ना माइनस, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह ये माइनस में था वन, इसको यहाँ हम प्लस में करेंगे, और इसके साथ भी हम माइनस का साइन, ताकि पता चले कि ये ना मैट्रिक्स हमने नेगेटिव में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, बी मैट्रिक्स है 3 2 -1 1। इसी तरह सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट, देन टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। इस तरह यहाँ माइनस का साइन डाल देंगे इस बी के साथ, ताकि पता चले हमने बी मैट्रिक्स में नेगेटिव ले लिया है। अब इस मैट्रिक्स में सारों के साथ प्लस का साइन है, बस इसके साथ माइनस है, तब जिसके साथ प्लस है उसको माइनस में कर देंगे, जिसके साथ माइनस है उसको प्लस में कर देंगे। इस थ्री के साथ प्लस का साइन था, इसको माइनस थ्री कर देंगे। इस वन के साथ माइनस का साइन था, इसको प्लस वन। इस टू के साथ माइनस था प्लस, इस टू के साथ प्लस था माइनस टू, इसका प्लस था और यहाँ माइनस वन, और यहाँ माइनस का साइन। इसी तरह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब हमारा थर्ड पार्ट है सी इक्वल टू टू थ्री सिक्स टू। जिससे हमने पहले सारे पार्ट्स भी किए हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे टू थ्री सिक्स टू। अब टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी, और जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो सी के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और अब इसके साथ प्लस है तो यहाँ हम माइनस माइनस टू कर देंगे। इसके साथ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस सिक्स, प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, प्लस टू इंटू माइनस टू। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट D इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर टू फाइव। इसी तरह हमने आप सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे जैसे सारे पार्ट्स में किए, माइनस थ्री माइनस फोर टू फाइव। ऊपर से पहले इक्वेशन लिख लें, टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जौन सा है वही मैट्रिक्स देखें, मैट्रिक्स डी, तो माइनस डी इक्वल टू। अब यहाँ माइनस थ्री है तो हम जब इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस थ्री आ जाएगा, प्लस डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फोर के साथ ही माइनस है, जब हम इसको प्लस करेंगे, नेगेटिव इसका लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, मतलब फोर। और यहाँ टू है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, ये प्लस में है, जब इसको नेगेटिव लेंगे तो माइनस टू। इस तरह फाइव भी प्लस में है, जब इसका नेगेटिव लेंगे तो माइनस फाइव। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हमने फिफ्थ पार्ट इसका करना है, ई इक्वल टू
वन टू माइनस फाइव थ्री एज सेम हमने इसमें भी हमें पहले क्वेश्चन रिपीट वन टू माइनस फाइव थ्री यहाँ इक्वेशन जो लिखनी है वो है टेकिंग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई या माइनस सी इक्वल टू अब यहाँ प्लस में था यहाँ जाके माइनस यहाँ माइनस में है यहाँ भी माइनस टू यहाँ माइनस में मीन्स प्लस यहाँ प्लस थ्री है तो यहाँ माइनस थ्री ये हमारा क्वेश्चन फोर कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव और इसके साथ हम माइनस का साइन भी डालेंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमने इसका मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लिया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले हमें एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करना है अब हमने क्या लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ठीक है अब जब ट्रांसपोज इसका लेंगे तो हमने क्या करना है ए के ऊपर भी ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से तो इसके ऊपर ए मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल टी मतलब ट्रांसपोज उसके बाद ये जो है ज़ीरो वन माइनस टू के ऊपर भी हम ट्रांसपोज डालेंगे कि अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू अब ये हमारे पास कॉलम में लिखा हुआ है जब हम ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स से लेंगे अगर वो कॉलम में लिखा है तो हम उसको रो में कर देंगे अगर वो रो में लिखा है तो हम उसको कॉलम में अब ये वाला मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स ये कॉलम में लिखा है तो हम अब इसको रो में करेंगे अब यहाँ से कॉलम में लिखा है वर्टिकल में है हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना है ओ ज़ीरो वन माइनस टू इसमें हम साइन नहीं चेंज करेंगे और ऊपर यहाँ स्मॉल टी मतलब ट्रांसपोज का साइन भी डाल देंगे इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा नेक्स्ट पार्ट जो है बी इक्वल टू फाइव वन माइनस सिक्स सब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप जो करना होता है वो क्वेश्चन रिपीट इसके बाद हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो होता है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी अब बी का ट्रांसपोज दे रहे हैं तो बी के ऊपर हम ट्रांसपोज तो डालेंगे बी का ट्रांसपोज फाइव वन से माइनस सिक्स का ट्रांसपोज अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये रो में अब हमने इसको कॉलम में रब करेंगे जब ऐसे है तो ये जब ऐसे आएगा तो कैसे आएगा फाइव वन माइनस सिक्स ये वापस सेकंड पार्ट भी हो गया अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड पार्ट जो है मैट्रिक्स सी वन टू थ्री टू माइनस वन ज़ीरो अब इसी तरह सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन रिपीट करेंगे सी इक्वल टू टोटल फोर स्टेप्स होने चाहिए टू माइनस वन एंड ज़ीरो अब इसका जब ट्रांसपोज लेना है तो सबसे पहले हमने इक्वेशन भी तो लिखनी है टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी
आप सी का ट्रांसपोज ले रहे थे, जाहिर सी बात है ऊपर ट्रांसपोज डालेंगे आप। 1, 2, 3, 2, -1 एंड 0 अब इसका ट्रांसपोज, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अब हमें, अब ये ऐसे लिखा हुआ तो हम जब ये कॉलम में लिखा, जब हम इसको रो में करेंगे तो वो किस तरह आएगा, 1, 2, 3। अब जब हमारे पास ये कॉलम में था हमने इसको रो में कर लिया, ये सेकेंड कॉलम भी है, इसको हमने सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में करना है, 2, -1, 0। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि सारे पार्ट्स इसी तरह के हैं तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है कि आपने वेरीफाई करना है, अगर आपके पास ए जो है ए आपके पास दिया होगा 1, 0, 2, 1 एंड बी आपके पास दिया होगा 1, 2, 1, 0। आपने सबसे पहले वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड देखेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है तो सबसे हम पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है तो आगे मेंशन भी कर दें कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया। अब इसका कैसे करना है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू है क्या। अब ए सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है देन उसका होल ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए पहले लिख लेंगे, ए हमारे पास क्या है 1, 0, 2, 1 का ट्रांसपोज, हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, रो ये है ये कॉलम ये है, तो कॉलम को हमने जब रो में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 1, 0 और इस वाले कॉलम को जब हम रो में करेंगे तो आ जाएगा 2, 1। अब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास आया क्या था, ए ट्रांसपोज आया था हमारे पास 1, 2, 0, 1 ऐसे आया था। अब जब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, मीन्स के ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मीन्स के इसका भी ट्रांसपोज आएगा 1, 2, 0, 1 का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका क्या आएगा, ये था हमारे पास ऐसे, ये ट्रांसपोज आया था ए ट्रांसपोज का, इसका जब हमने होल ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास जो आएगा अब हम वो देखेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, हमारे पास 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है कॉलम में, जब इसको रो में करेंगे तो 1 और ये वाला 2 रो में ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, फिर ये वाला कॉलम जो है इसको जब हम रो में करेंगे तो 0 और कॉलम में लिखेंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में आएगा, जब रो में लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में आएगा, जब कॉलम में लिखेंगे तो वर्टिकल में आएगा, 0 एंड 1। ये ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया, मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने जो लेनी है वो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है वो हम देखेंगे। अब राइट हैंड साइड तो आपके पास गिवन है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई ए, तो हम देखेंगे ए है क्या, ए हमारे पास आ रहा है 1, 0, 2, 1 जो कि हमें गिवन था, हमें इन दोनों को इक्वल करना था, सो आखिर में इक्वेशन क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी. जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसी तरह हमने सेकंड पार्ट भी करेंगे. तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हमें बी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, देन ही हम उसका होल ट्रांसपोज लेंगे. बी ट्रांसपोज जब लेंगे, बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास था 1 2 1 0. अब इसका एक और दफ़ा जब अब इसका ट्रांसपोज लेने लगे ना, तो बी ट्रांसपोज जब हमारे पास आ जाएगा ना, 1 2 मीन्स 1 2 1 0, जब हम इस वाले कॉलम को हमने जब रो में किया तो ऐसे आ जाएगा, और इस वाले कॉलम को जब हम रो में करेंगे तो वो कुछ इस तरह आएगा. अब यहाँ हमारे पास बी का होल ट्रांसपोज आ चुके हैं, ठीक है. अब जब हम इसका होल ट्रांसपोज ले चुके हैं, हमारे पास इसका होल जब लेंगे ना, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 2 0 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. अब बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू, जब इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 2 0, ठीक है. तो यहाँ पास आ गया बी का होल ट्रांसपोज. अब हम इसके राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जो कहती है हमारे पास बी. अब बी हमें गिवन है, हम वो देखेंगे यहाँ पास बी था क्या. तो हमने जब बी देखा तो वो हमारे पास था 1 1 2 0. सो अब हमारे पास बी का होल ट्रांसपोज भी यही आया था और अब बी भी यही आ रहा है. तो मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो आखिर में क्वेश्चन आपने ज़रूर लिखनी है कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.